जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास फ़ोन आया सैमसंग A53 5G। तो आपको बताऊँगा इसकी FRP किस तरह से रिमूव करेंगे कैमरा टूल के ज़रिए। तो सबसे पहले इसका टेस्ट पॉइंट हमने फाइंड किया और टेस्ट पॉइंट लगा के इसको हमने टूल के साथ कनेक्ट किया। तो देखें अभी आपके साथ ये टूल के साथ कनेक्ट हो गया। तो जैसे ही ये देखें अभी विद इन सेकेंड जो है इसकी FRP डन हो जाएगी। जस्ट यहाँ पे FRP पे क्लिक करेंगे, ओके, और जस्ट FRP रिमूव पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें अभी आपके सामने जो है ना विद इन सेकेंड जो है FRP इसकी डन हो जाएगी। तो ये देखें इसकी FRP डन हो चुकी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि FRP इसकी डन हुई है या नहीं हुई। तो ये अभी मैं इसको फ़ोन को इसके साथ वीडियो यहाँ पे अटैच करता हूँ और मैं दिखाता हूँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अभी वाईफाई को स्किप कर दिया, या वाईफाई स्किप हो गया तो मीन्स FRP इसकी बाईपास हो गई है। तो देखें EUB मोड में इसको जो है FRP बाईपास किया मैंने कैमरा टूल के ज़रिए। लेटेस्ट सिक्योरिटी है इसकी एंड्रॉयड 13, UL वर्जन इसका जो है वो है 5.1, ठीक है जी। तो अभी ये मेन्यू में आ गया, आपको मैं इसकी सेटिंग में जाके अबाउट में इसके सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। इसका सिक्योरिटी पैच भी आपको दिखाता हूँ कौन सा सिक्योरिटी पैच है। सेटिंग में गए तो यहाँ पे अबाउट फ़ोन लाइक सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, तो यूएल वर्जन देखें 5.1 है, एंड्रॉयड 13 है और 1 अक्टूबर 2023 का इसका सिक्योरिटी पैच।